गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ और आई होप आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और आज जो है, आज संडे का दिन है तो मैं आज मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज तो बहुत सारा काम था लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा वक्त निकाल के आप लोगों से बात कर लिया जाए और एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो अभी सभी लोग घर पे हैं और जो है बच्चों के घर में छुट्टी भी चल रही है। अभी गांधी की भी छुट्टी हो गई है 2-4 दिन पहले से। तो अभी क्या था कि आज थोड़ा सा क्या था कि घर से गेहूँ वगैरह आ गया था तो मैंने गेहूँ वगैरह साफ़ करके, कभी मैंने किया नहीं है लेकिन साफ़ करके और ऊपर मैंने उसको फुला दिया है क्योंकि नया गेहूँ है वो। तो मम्मी बोल रही थी कि उसको 4-5 घंटे तक फूलने देना है, उसके बाद उसको छत पे फैलाएंगे तो आटा वगैरह फिर उसको पीसने के लिए देंगे। एक्चुअली क्या था कि मैं गेहूँ आटा ही खरीद के हम लोग खाते थे, तो इस बार जो है कभी कभार जो है घर से गेहूँ आ जाता है तो सोचा कि चलो उसको साफ़ करके, संडे था तभी लोग घर पे थे तो खाना वाला खाना की भी जल्दी बाजी नहीं थी। तो वही सारा चीज़ मैं गेहूँ वगैरह साफ़ करके आ गई और नीचे आई अभी। तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा काम पड़ा हुआ है। और सानवी भी अभी है, खेलने गई हुई थी। तो आज मैं बना रही थी खाने में चावल दाल आलू और बोड़ी की सब्ज़ी और पकौड़ी वगैरह। तो अभी मैं सुबह के टाइम था, मैंने सोचा सब्ज़ी बना के रख लूँ, फिर पोछा वगैरह डाल के फिर आराम से नहा के जो बाकी खाना होगा वो बनाऊंगी गाइस। तो अभी मैं बना रही थी आलू बोड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ ये रेसिपी मैं कैसे बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू बोड़ी की सब्ज़ी मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने आलू बोड़ी का, आलू को पहले मैंने फ्राई कर लिया था तेज़ आँच पे ही, नहीं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और फ्राई करके हल्का मतलब वो फ्राई हो गया तो इसमें मैंने बोड़ी डाल दिया है। बोड़ी भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मैंने, तो इसको निकाल लूँगी और उसके बाद से इसके लिए ये मसाले तैयार करने के लिए फोरन वगैरह पकाएंगे। तो ये आलू बोड़ी हो गया हमारा फ्राई। और उसके बाद से ये प्याज मैंने चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। और ये लहसुन है, लहसुन मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी स्टार्ट ही किया था मैंने। तो लहसुन है तो लहसुन का हम इसको पेस्ट बनाएंगे। और अभी ये भी लूँगी, जिंजर भी लूँगी मैं थोड़ा सा, तो जिंजर और गार्लिक की पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद से ये टमाटर है हमारा, तो ये 2 मीडियम साइज के टमाटर थे तो मैंने ये टमाटर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी अभी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बना के अभी दिखाऊँगी कैसे बना रही हूँ मैं आलू पूरी की सब्ज़ी। तो ये फ्राई कर लिया, उसके बाद से ये सारे फ़ौरन हम तैयार कर लेते हैं। प्याज हमारा फ्राई हो गया गैस, देख लीजिए, इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक डाल दिया था। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, तो मसाले में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। ये मसाले हमने डाल दिया इसमें। अब इसको क्या करेंगे गैस, इसको फ्राई कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक। प्याज हमारा फ्राई हो गया गैस, देख लीजिए, इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक डाल दिया था। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, तो मसाले में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। ये मसाले हमने डाल दिया इसमें। अब इसको क्या करेंगे गैस, इसको फ्राई कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक। इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया हमने गैस। अब इसको 4 से 5 मिनट पे मीडियम फ्लेम पे जो है ढक के इसको पका लेंगे और पक जाएगा तो इसमें आलू बोड़ी डाल के इसको फ्राई करेंगे। अभी मीडियम आंच पे इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है गाइस, टमाटर फ्राई हो गया इसमें।
आलू और ये बोरी को, आलू बोरी को डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और फ्राई करने के बाद से जो है इसमें पानी डाल के 5 मिनट तक ढक के इसको पका लेंगे। फ्राई कर लेते हैं इसको 2 से 3 मिनट तक। अभी लाइट कटी हुई है तो मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। ये 2-3 मिनट पकेगा, उसके बाद इसमें पानी डाल के और इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद से सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। लास्ट में गरम मसाला और धनिया पत्ता इसमें डालेंगे। गाइस ये फ्राई हो गया हमारा आलू बोड़ी। थोड़ा सा मैं एक्चुअली बिजी हो गई थी तो इसको गैस को थोड़ा देर के लिए बंद करना पड़ा मुझे 5 मिनट के लिए, तो कोई आ गए थे गेस्ट वगैरह। तो आज संडे है गाइस, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये मैं इसमें अब पानी डाल दूँगी, करीब आधा गिलास के करीब पानी डाल के और इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे गैस की जो है पक चुका है, थोड़ा सा और पकाएंगे। देखिए ये आलू मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल कट रहा है ये। थोड़ा सा और इसको पका लेना है और पका के फिर इसको क्या करना है कि इसमें धनिया पत्ता और गरम मसाला लास्ट में डाल देना है। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, सब्जी बनके मेरी ये तैयार हो गई है, आलू और बोड़ी की सब्जी। सूखा ही मैंने बनाया है क्योंकि इस पे दाल है, चावल है और पकौड़ी वगैरह भी आज बनेगी, आलू और लौकी वगैरह की। तो सूखा सब्जी मैंने रखा है और ये देखिए बनके तैयार हो गया। मात्र 15 मिनट में ये बन गया, 15 मिनट में सब्जी बन गई। तो इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। गाइस मैंने अभी सुबह में जो था सब्जी वगैरह बनाई थी आलू बोड़ी की, तो वो भी ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद से क्या था कि अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, तो क्या था कि अब खाना वाना खा के बहुत सारा काम था गाइस, तो सारे काम ख़त्म करके फिर खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट की क्योंकि तबीयत भी मेरा डिस्टर्ब था। और गेहूँ वगैरह मैंने आपको मॉर्निंग में डाला था ना, कि बताया था सॉरी, तो छत पर डाल रखे थे। अब सारा गेहूँ गाइस क्या था कि बहुत तेज धूप थी, अब हम लोग सो गए थे दिन में 5 बजे करीब 4 बजे, अब बारिश आई सारा गेहूँ हमारा पानी में धुल गया। अब इतना मेहनत करना पड़ा, फिर एक एक करके गेहूँ को उठा के हमने रखा, तब जाके अभी जो है ये जो है कंप्लीट फिर मतलब सही से रख दिया। तो अभी क्या था गाइस कि वही सारी चीज़ें खाना वाना खा के फिर हम सो गए थे। और सब्जी वगैरह मैंने आपको दिखाया था आलू बोड़ी की जो सब्ज़ी बनी थी, बहुत टेस्टी गाइस बनी थी। आप भी चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं सब्जी, तो बहुत अच्छी सब्जी थी। असानवी के पापा भी तारीफ कर रहे थे कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तो आज का ये जो ब्लॉग है मैं बस यहीं एंड मैंने किया नहीं था, तो मैंने सोचा अभी आप लोग से थोड़ा बात भी कर लेती हूँ और एंड भी हो जाएगा। तो यहीं अब ब्लॉग को मैं समाप्त कर रही हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया, अच्छा लगा, सब्जी जो मैंने बनाया था अगर पसंद आया, मैं चैनल वीडियो और पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।